फ्रांस के नीस में एक शख्स ने चाकू मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना आतंकवाद को लेकर हुई है। आतंकवाद निरोधक विभाग ने जांच की जिम्मेदारी ले ली है। कुछ दिन पहले ऐसी ही घटना पेरिस में हुई थी। इससे देश में बने माहौल के बीच राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस फिर से आतंकी हमले का शिकार हुआ है। उन्होंने कहा कि फ्रांस पर हमला देश के आजादी के मूल्य और आतंक के सामने नहीं झुकने की इच्छा की वजह से किया गया है। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि फ्रांस इस्लामिक आतंकी हमले के बाद अपने मूल्यों को छोड़ेगा नहीं। नीस में हुए हमले के बाद मैक्रों यहां पहुंचे और ऐलान किया कि फ्रांस अब देश के प्रमुख स्थानों पर सैनिकों को तैनात करेगा। इनमें स्कूल और धार्मिक स्थान होंगे। सैनिकों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी जाएगी। इससे पहले मैक्रों ने पेरिस में मारे गए टीचर सैमुअल पैची का समर्थन किया था और देश में अभिव्यक्ति की आजादी की सुनिश्चित करने की बात कही थी। मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस अपनी धर्मनिरपेक्ष परंपराओं और कानूनों का पालन करता रहेगा जिनमें अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए शार्ली एब्दो को भी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने की आजादी मिलती है, जिससे यह बवाल शुरू हुआ था। मैक्रों ने बताया था कि एक बिल अगले साल की शुरुआत में संसद में भेजा जाएगा जिसमें इस्लामिक अलगाववाद से निपटने का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में इस्लाम संकट का सामना कर रहा है। बताते चले कि फ्रांस में ताजा घटना नीस के एक चर्च में हुई जहां एक हमलावर ने एक महिला का गला काट दिया और 2 अन्य लोगों की चाकू मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पेरिस की तरह ही यहां की घटना को भी आतंकवाद करार दिया गया है। नीस के मेयर क्रिश्चियन स्टोर्सी ने बताया कि नॉट डैम में हुई घटना के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को आतंकवाद करार देने के बाद फ्रांस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने जांच की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही एक टीचर सैमुअल पैटी की पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने की वजह से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ। To all the people of Nice who are in shock, I can say that Nice, like all of France, but perhaps more than other parts of the country, is currently paying much too high a price and has now once more become a victim of Islamofascism. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।